ने तो कह दिया, शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में और जितनी पुराण है, 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे, कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, ये कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है, नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, के पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए, जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देव अधिदेव महा